अरे अरे, आपको डरना नहीं, क्यों रुका, पूरा वीडियो देखे समझ जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका और एक नया वीडियो पे। आज मैं जा रहा हूँ मंदिर के तरफ में, वैष्णो देवी, और बहुत ही ज़्यादा हाइट है, हालत ख़राब। और जैसे आपने शुरू में देख लिया कि क्या क्या जगह पे आपका पार्किंग है, और पास में ही फल फ्रूट का सामान वगैरह है, और वहाँ पर आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मेरे दुकान से लो, मेरे दुकान से लो। मैं गाइड करूँगा कि आपको कहीं से लेना नहीं है, ठीक है। गिरी बच्ची, गिरेगी गिरेगी, भयानक गिरेगी पूरा। रहा बड़ा पत्थर, अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, बाकी पूजा टाइम में बहुत भीड़ रहता है तब। हाँ, चलने का जगह नहीं हो पाता, बट कोई बात नहीं, हम है ना भाई, चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो बस यहाँ पर आपको जूता वगैरह लगाना है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं ठीक से, अभी फिलहाल खाली है इसलिए दिखा दे रहे हैं, और थोड़ा सा पीछे कैमरा करके थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये मैं कम से कम 10-12 साल हो गया, 10-12 साल के बाद आ रहा हूँ, ठीक है, हालत ख़राब पूरा, देख पा रहे होंगे, यानी ऊपर से चढ़ना है, ठीक है ना, सब कुछ हैंग आ रहा है क्या। चलिए चलते हैं, जय माता दी गुफा। ये रहा कुछ, फोकस ले नहीं रहा यार, ऊपर से लुक। एक्चुअली अपने को जाना है, वो जो घर दिख रहा है वो घर के तरफ चलेगा अपने को। तो मंदिर का रास्ता जैसे ख़त्म होता है, उसका राइट साइड से ऐसे एक रास्ता किया हुआ है पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। अगर आप में थोड़ा सा पेशेंस से थकते नहीं है तो ठीक है, नहीं तो धूप से आपका हालत ख़राब हो जाएगा, चक्कर खा के गिर भी सकते हैं, और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। आप वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं तो जाके मेरा हालत ख़राब हो गया, आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा मेरा। धूप में देख रहे ना कितना मेहनत लग रहा है यार ऊपर चढ़ने के लिए भी। सुबह सुबह खाली पेट, ये रहा पीछे का कुछ लुक है, अरे बाप रे, खतरनाक रास्ता है यार, उतरते वक्त हालत ख़राब कर देगा। जो लोग थक जाता है मेरे तरह, है ना, मेरे तरह तो क्या बनना नहीं पाएगा, बनना नहीं, क्या बोल रहे यार, यहाँ पर रेस्ट कर सकता है। पीछे दिख रहा होगा कितना डेंजर है, अगर थोड़ा सा भी नज़र हटा तो दुर्घटना घटा। ए भाई, हाथ से मोबाइल नहीं छूट जाना, नहीं तो रातों रात करोड़पति हो सकते हैं। देख पा रहे हैं कुछ दादाजी लोग जा रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं यार, ओ माय गॉड। चलो चलो चलते, ऊपर चढ़ना है अपने को। छोटा सा बच्चा भी एक चढ़ रहा है पहाड़ की ऊंचाई की तरफ में, यहाँ थोड़ा सीढ़ी बना हुआ है, बाप रे, रास्ता छोटा होता जा रहा है, थोड़ा संभल के, कैमरा का चक्कर में मेरा न्यूज कल ना आ जाए। बस और थोड़ा सा बाकी ऊपर चढ़ने का, फाइनली ऊपर पहुंच गए, बहुत मेहनत के बाद आखिर ऊपर चढ़ गए, दिख रहा होगा सबसे ऊपर यार।
मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलूँगा कि इस तरह की जगह पर अगर चलेंगे तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक गलती जिंदगी बर्बाद, रॉन्ग टर्न बोला जाता है ना। तो ये है हनुमान जी का मंदिर सबसे ऊंचाई पे, तो यहाँ तक आने के लिए लोग कई बार सोचते हैं कि ऊपर जाएं कि नहीं। तो बहुत ही अच्छा है, आप देखें और यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं किस तरह का है, चलिए देखें। सब्सक्राइब नहीं करते यार आप लोग, ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बस उतरने के बाद आपसे मिलते हैं, क्योंकि अभी उतरते वक्त ब्लॉग बनाना सही नहीं है, तो सीधा उतरते हैं फिर आपको मिलते हैं। चलिए। अरे अंकल जी पहाड़ चढ़ के आए, ऊपर गए थे ना जी, जब कांप गया पेट पूरा। तो बस यही पास में ही पानी पीने का सब फैसिलिटी यहाँ पर अंकल जी है। हालत खराब हो गया अंकल, मतलब 10 साल के बाद आ रहे हैं। थरथरा गया पैर, मतलब ना चलने लायक नहीं, मतलब घपाक कर गिर जाएंगे। अभी भी थोड़ा हालत में नहीं है तो। अब गए कि नहीं अंकल जी? ऊपर जाते हैं अभी भी जाते हैं? अरे महाराज चढ़ लेते हैं आप? अभी भी जाते हैं? खा, हाँ, होता है ऊपर में, बाप खा के आदमी आ जाता है। हम लोग जैसे ये लड़का कहाँ जा रहा, आप जा रहे थे, कितना बड़ा बात है देखिए अंकल। बहुत बहुत थैंक यू अंकल जी। चलिए बस अभी का ब्लॉग्स को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।